सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। विशेषता यानी उसके बारे में बताना, जैसे किसी का गुण दोष बताना कि वो अच्छा है या फिर बुरा है, किसी के रंग रूप के बारे में बताना वह गोरा है या काला है, इस सब्जी का रंग ये है, इस कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी उसका शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है, शेप आकार। एप्पल का कैसा शेप होता है? गोल, राउंड शेप इन इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह से काउंटिंग वन या फिर मोर देन वन, एक या उससे ज्यादा, इसमें भी किसी भी शब्द की विशेषता बताई जा रही है। जैसे पांच से अनगिनत तारे, तो ये क्या है? तारों की विशेषता कि वे बहुत सारे हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल। रंग रूप, काला, गोरा, सुंदर, करू, गुण दोष, अच्छा, बुरा, परिश्रमी, दुष्ट आदि। संख्या यानी नंबर्स, दो, तीन, कुछ, थोड़ा, सभी। आकार, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, माप तोल, 2 मीटर, 5 लीटर, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। आपको अभी हमने मेजरमेंट सिखाया था ना, उसमें माप तोल आता है। अवस्था, गरीब, अमीर, बूढ़ा, युवा आदि। इस तरह से बच्चों आपको मैंने कुछ विशेषण शब्द बताए हैं। अब जैसे विशेषण शब्द एक वाक्य में कैसे हो सकते हैं? वह किसान बहुत अच्छा है, मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी है, मेरी माता बहुत अच्छे हैं, चिंटू मुझसे लड़ाई करता है, वह अच्छा नहीं है, तो क्या बोलेंगे? वह बुरा है। तो विशेषण शब्द क्या हुआ? बुरा। सेब गोल है, सेब मीठा है, आइसक्रीम ठंडी है, तो आइसक्रीम की विशेषता क्या बताई? कौन सा विशेषण शब्द है? ठंडा। ओके बच्चों, और रोहन पतला है, सोहन मोटा है। इस तरह से इन सबको बोलते हैं किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।